नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके का पार्ट नंबर 19 मैं लेके आ चुका हूं। 10 नंबर की आपसे हरियाणा जीके पूछी जाएगी। अगर आप ये सभी पार्ट देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हरियाणा टेट का एग्ज़ाम 16-17 नवंबर को होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल के आइकन को दबा लीजिए। हरियाणा में एजुकेशन व जॉब से रिलेटेड खबरें सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल के आइकन को दबा लीजिए। आपको लेके चलता हूँ पार्ट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का क्या नाम था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.R. फोल्ड। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो कहाँ से किया भाई, राव तुलाराम कहाँ के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नारनौल रेवाड़ी। जो राव तुलाराम थे वो रेवाड़ी के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, पानीपत में किस प्रसिद्ध के इनाम में क्रांति की। पानीपत में किस मस्जिद के इमाम ने क्रांति की। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका बू अली कलंदर मस्जिद। पानीपत की मस्जिद है जहां पर इमाम ने क्रांति की। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, हिसार सिरसा व हांसी में किस यूनिट ने बगावत की। हांसी सिरसा वही हिसार में, तो कौन सी यूनिट थी भाई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा लाइट इन्फैंट्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, किसे कैथल मंडी में गिरफ्तार किया गया। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, लाला काकाराम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, नसीबपुर किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1857 की क्रांति के कारण जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता रहा, भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष में शुरू हुआ था। किस वर्ष में भारत में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ। तो 1857 में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। चाहे वह पहला स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे सिपाही युद्ध हो, ये सभी 1857 में पहला शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता हमारा, नाहर सिंह को कब मृत्यु की सज़ा दी गई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 जनवरी 1858 को नाहर सिंह को मृत्यु की सज़ा दी गई। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, बल्लमगढ़ का अंतिम राजा
जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था। तो कौन सा राजा था भाई हरियाणा का, वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नहार सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, दोषपूर्ण भू राजनीति के कारण 1824 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ किस क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। तो किस क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था भाई, ये सभी यानी कि हिसार में हुआ, गुरुग्राम में हुआ, रोहतक में हुआ, तीनों में विद्रोह हुआ था। ठीक है, इन तीनों में विद्रोह हुआ दोषपूर्ण भू राजस्व नीति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता हमारा, सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन, सूरजपाल के द्वारा। गुजरी महल किस नहर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिसार। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, हरियाणा के किस शहर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थानेसर। थानेसर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। हरियाणा राज्य में गुजरी महल किस नगर में स्थित है, तो कौन सा नगर में स्थित है गुजरी महल, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वन, हिसार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, किस स्थान पर राजा नहार सिंह का किला स्थित है, तो किस पे स्थित है भाई, बल्लभगढ़ में राजा नहार सिंह का किला स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका होडल में। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, करण का किला कहाँ पर है, तो कहाँ पे भाई करण का किला, थानेश्वर में। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। महम का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहतक में महम का किला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में स्थित है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई महेंद्रगढ़ में ये किला स्थित है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों के क्या नाम, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों इसके षड्यंत्र में शामिल थे, विलियमसन फेरजर के हत्याकांड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारा, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से था, तो कहाँ से था भाई, हिसार से इसका संबंध था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो किस किस के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था, कौन सा था जाट नेता भाई, राजा राम ने अकबर का मकबरा लूटा था, भक्त व संगीतज्ञ सूरदास
किसके समकालीन थे? किसके थे भाई? राइट आंसर किसका? अकबर के समकालीन थे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 19 के। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। यह वीडियो तक देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान के दया सभी का दिन शुभ रहे।